लास्ट लेक्चर में हमने एनाटॉमी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी इज़ अ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, है ना। बट दिस एनाटॉमी इज सो वास्ट आफ्टर सो मैनी रिसर्चेज एंड इन्वेंशंस, ये इतना बड़ा सब्जेक्ट हो गया कि इसको हम एज अ सिंगल सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, इसलिए उसको कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। तो अब एनाटॉमी को डिफरेंट डिविजन्स करके और फिर इसकी स्टडी की जाती है। तो ये जो डिविजन्स हैं वो आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला है कैडावरिक एनाटॉमी। कैडावरिक वर्ड, कैडावर इज़ फॉर डेड बॉडी। तो जब हम डेड बॉडी पर पढ़ाई करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कैडावरिक एनाटॉमी। मतलब जो डेड प्रिजर्व्ड बॉडी है उसको हम ओपन अप करते हैं। मुर्दा को जब हम चीर फार करके जब उसके अंदर क्या बॉडी के पार्ट्स है, कैसे प्लेस्ड है, इसकी जो हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं हम कैडावरिक स्टडी और कैडावरिक एनाटॉमी। खाली डेड बॉडी ही नहीं, डेड बॉडी के ऑर्गन्स को भी प्रिजर्व्ड किया जाता है फॉर्मेलिन में और अदर केमिकल्स में, और इन प्रिजर्व्ड ऑर्गन्स को हम स्पेसिमेंस बोलते हैं, ये भी कैडावरिक एनाटॉमी में आता है। सेकेंड है लिविंग एनाटॉमी। लिविंग एनाटॉमी मतलब जिंदा इंसान पे हम कैसे एनाटॉमी पढ़ेंगे। मतलब किसी भी लाइफ पर्सन को आप लिटा दीजिए और फिर आप उसको अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, उसको इंस्पेक्ट करना बोलते हैं, इंस्पेक्शन बोलते हैं। फिर उसको टच करके, फील करके आप देखेंगे कि इसका ये नेक कितना लंबा है, या इसकी फिंगर्स कितनी लॉन्ग है, या इसको हम इसके बोन्स कहाँ कहाँ पर है, और इसको पालपेट करने के बाद हम इसको परकशन करते हैं। ये सारा क्लिनिकल एनाटॉमी का पार्ट है। इंस्पेक्शन, पालपेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन, आला लगा के हम चेक करते हैं, स्टेथोस्कोप से हम चेक करते हैं हार्ट साउंड्स कैसे हैं, लंग साउंड्स कैसे हैं। तो इससे हमें अंदर के स्ट्रक्चर की चीज़ें पता चलती है, अंदर सारे स्ट्रक्चर्स कैसे प्लेस्ड हैं। जैसे लंग है तो लंग में कोई बीमारी तो नहीं है, लंग का जो साइज़ है वो प्रॉपरली हमको वहाँ पे वो लंग साउंड्स, ब्रीदिंग साउंड्स प्रॉपरली मिलते हैं। तो ये हम एक लाइव पर्सन पे जब स्टडी करते हैं तो इसको हम लिविंग एनाटॉमी बोलते हैं। इसी लाइव पर्सन में हम इंस्ट्रूमेंट डाल के भी स्टडी कर सकते हैं। जैसे हम एंडोस्कोप डालते हैं, मुंह से अंदर स्कोप डालते हैं, है ना, फूड पाइप में डाल के चेक करते हैं, या ब्रोंकोस्कोप डालते हैं, विंड पाइप में एक दूरबीन डालते हैं, स्कोप डालते हैं, और फिर अंदर की चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। दैट इज़ लिविंग एनाटॉमी। या फिर हम पर्सन का एक्सरे लेते हैं, चेस्ट एक्सरे ले लिया और फिर उसकी बोन्स को स्टडी किया। तो दीज थिंग्स आर कम अंडर लिविंग एनाटॉमी, क्योंकि हम लाइव पर्सन के बॉडी के अंदर की चीज़ को देखते हैं, लाइव पर्सन के बॉडी के बाहर की चीज़ को देखते हैं थ्रू इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। सो दिस कम्स अंडर लिविंग एनाटॉमी। तीसरा है सरफेस एनाटॉमी। अब सरफेस एनाटॉमी क्या है कि हम बॉडी के जो स्किन सरफेस है उसके ऊपर मार्क करके हम बताते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ प्लेस्ड है, है ना। जैसे ये हाथ है तो यहाँ पे दो बोन्स है, उस बोन को हम फील करते हैं, ये हड्डी है, ये जॉइंट्स है, तो इन सबको हम फील करते हैं, बताते हैं ये कौन से जॉइंट्स है, यहाँ पे ये कौन से बोन्स है, यहाँ पे कार्पल्स है, यहाँ पे मेटाकार्पल्स है, ये जो वेन्स है ये कौन सी वेन है, और टेंडन्स फील हो रहे हैं, ये टेंडन्स है तो कौन सी मसल के टेंडन्स हैं। तो ये सारा सरफेस एनाटॉमी। वैसे ही हम बॉडी में यहाँ पे अंगूठे की तरफ जो रेडियल रीजन है वहाँ पे हम थ्री फिंगर्स से रेडियल आर्टरी को पालपेट करते हैं, पल्सेशंस फील करते हैं। तो दिस कम्स अंडर सरफेस एनाटॉमी। चौथी है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी नेम सजेस्ट स्टडी ऑफ एन एम्ब्रियो, मतलब प्रीनेटल डेवलपमेंटल स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। यानी जब मेल फीमेल सेक्स गैमेट्स जब जुड़ते हैं, फर्टिलाइज्ड होके एक फर्टिलाइज्ड एग
जब जाइगोट बनता है और जाइगोट से धीरे 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 अलग अलग स्टेजेस, ट्रोफोब्लास्ट, ब्लास्टोसिस्ट, इस तरह से करके जो पूरा एम्ब्रियो बनता है, ये डेवलपमेंटल स्टडी जो है किस तरह से एक सेल से, एक फर्टिलाइज्ड सेल से कैसे दूसरा सेल बना, दूसरे से और क्लस्टर ऑफ सेल्स बने, और फिर किस तरह से उसमें से उसका न्यूरल ट्यूब बना, हाथ बने, पैर बने, हार्ट बना, मतलब जैसे 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 पूरा एक एम्ब्रियो बन जाता है, पूरा एक स्मॉल वर्जन ऑफ ह्यूमन बीइंग बन जाता है, दिस स्टडी इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। ये माँ के पेट में जब बच्चा डेवलप होता है, बच्चा बनना शुरू होता है, जो प्रोसेस है इज एम्ब्रियोलॉजी। देन कम्स हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या है? जब हम किसी भी स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप की मदद लेकर जब उस स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, जैसे हमने लिवर लिया, लिवर का कट किया, एक सेक्शन उसका कट किया, और फिर उसकी स्लाइड पे माउंट करके जब उसको माइक्रोस्कोप में रख के उस लिवर के सेल्स को जब हम स्टडी करते हैं, लिवर के सेल्स को हिस्टोसाइट्स बोलते हैं, तो जब माइक्रोस्कोप में देख के उस लिवर सेल को हम समझते हैं ये कैसा है, कैसे इसमें ब्लड वेसल्स अरेंज्ड है, तो इस स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो स्टडी ऑफ एनाटॉमी, स्टडी ऑफ एनी बॉडी पार्ट और द होल बॉडी विथ द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप कम्स अंडर माइक्रोस्कोपिक स्टडी और हिस्टोलॉजी। उसके बाद आता है रेडियोग्राफिक स्टडी और इमेजिंग, रेडियोग्राफिक एनाटॉमी जिसको बोलते हैं, ये हम थ्रू एक्सरेज और अल्ट्रासाउंड्स, फिर कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन्स, सीटी स्कैन्स, इससे हम हमारी बोन्स को स्टडी करते हैं, हम हमारे डीप ऑर्गन्स, सॉफ्ट टिश्यूज को स्टडी करते हैं, उनका क्या है, उसकी पोजीशन क्या, प्रॉब्लम है, तो इस स्टडी को हम बोलते हैं रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। उसके बाद आता है कंपैरेटिव एनाटॉमी। कंपैरेटिव एनाटॉमी में हम क्या करते हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स के जो बॉडी पार्ट्स है उसको हम दूसरे एनिमल्स के बॉडी पार्ट से कंपेयर करते हैं और स्टडी करते हैं कि एक अगर गोट है तो उसका हार्ट कैसा है, ह्यूमन बीइंग का हार्ट कैसा है, तो एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स को हम ह्यूमन बीइंग्स से कंपेयर करते हैं, उनका साइज, उनका शेप, उनका स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन, दिस कम्स अंडर कंपैरेटिव एनाटॉमी। फिर है फिलैंथ्रोपिक एनाटॉमी, फिलैंथ्रोपिक आर्थ्रोपोलॉजी या फिजिकल आर्थ्रोपोलॉजी, इसमें हम स्टडी करते हैं अलग अलग रेसेस, अलग अलग ग्रुप्स ऑफ पीपल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, जैसे मंगोल्स, चाइनीज, इंडियंस, अमेरिकन्स, अफ्रीकन्स, ये लोग कैसे दिखते हैं, इनके फीचर्स कैसे अलग है, जैसे किसी की आईज बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो किसी की हाइट बहुत बड़ी है, तो किसी का सॉफ्ट पैलेट या जॉ बहुत बड़ा है, तो ये अलग अलग रेसेस में अलग अलग फीचर्स हमको मिलते हैं, तो इसको हम स्टडी करते कि क्यों कुछ रेसेस, कुछ एरिया के लोगों का फीचर डिफरेंट है और क्यों दूसरे एरिया का डिफरेंट है, डिपेंडिंग अपॉन देयर क्लाइमेट्स, डिपेंडिंग अराउंड अपॉन देयर सराउंडिंग्स एंड एटमॉस्फियर, ये चेंजेस होते हैं, तो इसको भी हम स्टडी करते हैं, दिस कम्स अंडर एंथ्रोपोलॉजी। इसके बाद आता है नेक्स्ट इज अप्लाइड एनाटॉमी। नाउ व्हाट इज अप्लाइड एनाटॉमी? अप्लाइड एनाटॉमी को हम क्लिनिकल एनाटॉमी भी बोलते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम एनाटॉमी को, बेसिक एनाटॉमी को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, ह्यूमन बॉडी को समझ लेते हैं, सारी चीज़ों को, सारे स्ट्रक्चर्स को समझ लेते हैं, तो अब इसको हम क्लिनिकली कैसे अप्लाई करें, हम पेशेंट पर कैसे अप्लाई करें, हम उसको कैसे, इस नॉलेज को हम यूज़ करें। सपोज़ आप डॉक्टर हैं तो अगर आपको पता है कि रेडियल नर्व कहाँ से आती है, कहाँ सर्वाइकल रीजन से आती है, पूरे एक्जिला में से होके, आर्म्स के पीछे होके कैसे वो
पूरे अपर लिम को सप्लाई करती है। तो अगर हमको इस नर्व की एनाटॉमी पता है ना, तो जब पेशेंट हमारे पास आएगा कि उसका हाथ ड्रॉप हो रहा है या पैरालिसिस हो गया, सडनली पेशेंट आके बोलेगा कि मेरा हाथ एकदम वीकनेस आ गई, कमज़ोर हो गया, गिर रहा है, कुछ उठा नहीं पा रहा हूँ, तो हम कैसे समझेंगे क्या प्रॉब्लम है? तो क्योंकि हमने रेडियल नर्व की एनाटॉमी पढ़ी है कि रेडियल नर्व कैसे यहाँ से सप्लाई होके कैसे जाती है, और क्योंकि रेडियल नर्व कहीं पे डैमेज है इसलिए ये वाले मसल्स पूरे पैरालाइज्ड हो गए हैं, वीक हो गए हैं, पावर नहीं रहा, तो ये हमने अप्लाई किया कि रेडियल नर्व डैमेज हुआ तो उससे क्या प्रॉब्लम हुई, और पेशेंट आया तो उससे हमने कैसे समझा कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। दिस इज़ नोन एज अप्लाइड एनाटॉमी। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें हम क्लिनिकली उसको अप्लाई करते हैं, इस नॉलेज को, उसे हम बोलते हैं अप्लाइड एनाटॉमी। उसके बाद आती है जेनेटिक्स। जब हम इंसान के सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स है, जो जेनेटिक मटेरियल है, उसका हम जब स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। तो ये भी एक एनाटॉमी का पार्ट है। इस तरह से एनाटॉमी को हमने बहुत सारे डिविजन्स में डिवाइड कर लिया, जिससे एनाटॉमी की स्टडी हमारी आसान हो जाए। ये तो हो गया हमारा डिविजन।